Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. एक स्पेशल थैंक्स टू राजेंद्र प्रताप सिंह, आपने मुझे ये मैसेज उस वक्त किया है जब मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी. लाइफ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है, लाइफ के इस फेज़ में जहाँ इतना सब कुछ मैनेज करना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट गॉड ने अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है तो ज़रूर उसका कोई रीज़न है. आई बिलीव इन गॉड. जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो गॉड हमें किसी ना किसी मीडियम के थ्रू वो चीज़ ज़रूर बताते हैं, और बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो दिल से किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं. टीचिंग मेरा पैशन है, मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था यूट्यूब पे चैनल ओपन करने का, बट कहते हैं ना कि जब आप सच्चे हो, आप सच में किसी चीज़ को मानते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस चीज़ में. स्कूल में, कोचिंग में बच्चों का बहुत प्यार मिला, अनकंडीशनल लव, बट यूट्यूब से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कभी नहीं सोचा था. बस अब मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि ये जर्नी जो मैंने यूट्यूब की स्टार्ट की है इसको कॉन्टिन्यू करने में गॉड मुझे हिम्मत दे. क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर. सबसे पहले आपने लिखना इंट्रोडक्शन. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सेवरल चेंजेस टुक प्लेस इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया. जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे उस टाइम पर एजुकेशनल सिस्टम में काफ़ी सारे उन्होंने चेंजेस किए. इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. 1947 द एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज गिवन द नेम ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री. 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने अलग से अपना एक डिपार्टमेंट एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो बनाया, सो दैट एजुकेशन से रिलेटेड लॉज एंड पॉलिसीज अच्छे से बन सके. एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. उस टाइम पर गवर्नमेंट ने एजुकेशन सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया. हमारे इंडिया में 3 लिस्ट होती है. सबसे पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट होती है, उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर सिर्फ सेंटर की गवर्नमेंट रूल बना सकती है. फिर सेकेंड हमारी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, उस पर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, तो जितनी भी स्टेट्स हैं सिर्फ वो रूल्स बना सकती हैं. एंड एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं. तो सबसे पहले जो एजुकेशन टॉपिक है इसको हमने कहाँ डाला था, स्टेट लिस्ट के अंदर, कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन से रिलेटेड लॉज एंड पॉलिसीज बना सकते हैं. बट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन ईयर 1976 एजुकेशन वॉज ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट. बट हमने क्या किया था 1976 के अंदर, एक 42 अमेंडमेंट. अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना. तो हमने इस चीज़ को चेंज किया कि हमने एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है इसको स्टेट लिस्ट से चेंज करके हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया. अब कॉन्करेंट लिस्ट में डालने से ये फ़ायदा हुआ कि अब सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं एजुकेशन से रिलेटेड लॉज एंड पॉलिसीज बना सकते हैं. और इन केस कभी कोई ऐसा टॉपिक आ जाए, ऐसा कानून आ जाए जिसमें सेंटर की बात कुछ और है और स्टेट की बात कुछ और है, यानी कि अगर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लैशेस हो जाएं किसी एक टॉपिक को लेके, किसी एक कानून को लेके, तो उसमें जिसकी पावर ज़्यादा होगी यानी सेंटर गवर्नमेंट जो है उस पर कानून बना सकेगी, उसको ओवर रूल कर लेगी. नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है ऑर्गेनाइजेशन. द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक. अब यहाँ पर जो ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसी के अंडर हमारा जो सब्जेक्ट है एजुकेशन ये आता है. और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कानून या पॉलिसी कौन बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं. और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर. तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स के हेड होते हैं. दीज मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर अपनी पोलिटिकल पार्टी में से किसी भी पर्सन को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं और उन्हीं के चॉइस और उन्हीं के विश के अकॉर्डिंग जो है जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बनती है. अ चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री. उसके अलावा अलग से चीफ सेक्रेटरी जो है उनको अपॉइंट किया जाता है, सो दैट जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज आ रही हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जा रही हैं हर एक स्टेट के अंदर, उस चीज़ का ध्यान रखते हैं चीफ सेक्रेटरी. एडिशनल सेक्रेटरी इज ऑल्सो अपॉइंटेड टू असिस्ट द चीफ सेक्रेटरी. अब चीफ सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए अलग से एक एडिशनल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किए जाते हैं. फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री इट इज़ डिवाइडेड इंटू सेवरल डिविजन. अब यहाँ पर मिनिस्ट्री को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है. आपको सारे नाम यहाँ पर जो है लर्न नहीं करने हैं, आप सिर्फ 5 to 6 डिविजन्स के यहाँ पर नाम लर्न कर लो. जैसे कि यूनेस्को डिविजन है, यूनेस्को डिविजन के अंदर हमारे जितनी भी हेरिटेज साइट्स है यानी कि जो भी हमारी
एजुकेशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लेसेस हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जो भी उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की या प्रिजर्व करने की टेक्निक है उसको यूज़ करना, साथ के साथ बच्चों को एजुकेशनल टूर पे लेके जाना वहाँ पर। सेकंड है लैंग्वेज डिवीजन, कि किस तरीके से जो लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करना। इंडिया के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पर रीजनल लेवल लैंग्वेज प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, तीनों लैंग्वेजेस को इम्पॉर्टेंस दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। थर्ड है आपका संस्कृत डिवीजन, फिर आपका नेक्स्ट है स्कूल एजुकेशन डिवीजन, नेक्स्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन डिवीजन। तो इस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अलग अलग डिविजन्स बनाए हैं सो दैट हर एक डिविजन पे प्रॉपरली फोकस कर वहाँ पर लॉज एंड पॉलिसीज बनाई जा सके। अब आपने हेडिंग डालनी है फंक्शंस। फर्स्ट आपका पॉइंट है टू फॉर्मुलेट एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन हैज़ अ प्रोमिनेंट रोल टू प्ले इन द सोशल इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब जैसे कि मैं पता है एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है हमारी कंट्री की सामाजिक आर्थिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर। दस वेरियस एजुकेशनल पॉलिसीज हैव बीन फॉर्मुलेटेड इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसीलिए आपने देखा है बहुत क्विकली गवर्नमेंट चेंज करती है एजुकेशन पॉलिसीज को। फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2022 द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द श्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लाइक। 2022 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इनकरेजमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, की जो एडल्ट हैं जो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर सके किसी भी रीजन से उनको एजुकेट करवाना, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लेवल को अपलिफ्ट करना, इंटरलिंकिंग एजुकेशन विद हेल्थ सोशल वेलफेयर। तो किस तरीके से एजुकेशन को लिंक करना है हेल्थ के साथ ताकि हेल्थ अवेयरनेस हो बच्चों के बीच में, और साथ के साथ सोशल वेलफेयर यानी कि समाज का भला करना है, ये हम बच्चों को एजुकेशन के थ्रू ही सिखा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अगर सब लोग जो है एजुकेट होंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ओपन होंगी। डेवलपिंग रीजनल लैंग्वेजेस, उसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस है, हर स्टेट की अपनी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, उसको भी प्रिजर्व करके रखना। तो इसीलिए सरकार जो है टाइम टू टाइम एजुकेशन पॉलिसीज लेके आती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन के जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सोचे हैं, जो एम्स सोचे हैं, वो पूरे कर सकें। तीन पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। अब इंडिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि इग्नू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जितनी भी ये सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी टेक केयर करने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया, जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं। इन टास्क ऑफ द मिनिस्ट्री इज टू ऑब्जर्व वेदर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो मेन टास्क क्या है इस मिनिस्ट्री का, इस डिपार्टमेंट का, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उनके बनाए हुए एक्ट के थ्रू वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। सम ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। पॉइंट है एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च। द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री। मिनिस्ट्री इस चीज़ का भी ध्यान रखती है कि जितनी भी इंडिया के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उसका प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। साथ ह्यूमंस के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए नए कोर्सेज, डिग्रीज और रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं। इट वर्क्स फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज़, और यही उनका वर्क रहता है कि जो बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज़ है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने आप को डेवलप करें एंड अल्टीमेटली उससे कंट्री की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होगी। तो आपका फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। दिस मिनिस्ट्री ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन इन द कंट्री। ये मिनिस्ट्री ये भी ध्यान रखती है कि साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज को इंक्लूड करना है एजुकेशन में। द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री इज रनिंग 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इस टाइम पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो साइंटिफिक स्किल बेस्ड है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है इनकरेजमेंट टू द यूज़ ऑफ हिंदी, MHRD। अब यहाँ पे MHRD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑल्सो मेक्स न्यूमरस एफर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी इन द कंट्री। तो MHRD डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है कि हिंदी को प्रमोट किया जा सके, पूरे ऑल ओवर इंडिया की एक लैंग्वेज हो जिसके थ्रू वो यूनाइट हो सके, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सके,
particularly in the non-Hindi regions. It constitute advisory committees from time to time for the purpose. तो इसके लिए जो non-Hindi language regions है, आपको पता है non-Hindi language regions कौन से हैं? South India वाले, जहाँ पर कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषाओं को ज़्यादा importance दी जाती है. तो वहाँ पर advisory committee जो है वो बिठाई जाती है, so that वो हिंदी को भी साथ के साथ implement करें, so that जो north and south का gap है वो ज़्यादा ना increase हो और वहाँ पर लोग एक दूसरे की feelings को समझ सकें. स्पेशल स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज. तो अलग से गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्कॉलरशिप्स स्टार्ट की हुई हैं, प्राइजेस स्टार्ट किए हुए हैं, ताकि अगर पोइट्री कोई करवाते हैं, ऐसे होता है कॉम्पिटिशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ताकि अगर कोई हिंदी को प्रमोट कर रहा है या हिंदी को इनक्रेज कर रहा है तो उस पर्सन को रिकोगनाइज किया जा सके, उस पर्सन को इनक्रेज किया जा सके, ताकि वो अपना काम कॉन्टिन्यू रखें. का सिक्स्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन. द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ MHRD अंडरटेक्स वेरियस स्टेप्स एंड मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री. सो स्कूल एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, उसमें प्रोग्रेस करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे स्टेप्स एंड मेजर्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंप्रूविंग इन द लेवल ऑफ एजुकेशन, किंग सेकेंडरी एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड. तो इसीलिए भी आपने देखा होगा कि अप टू 10th क्लास जो है IT हो गया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा ICT, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड स्किल कोर्सेज हैं. तो ऐसे कोर्सेज गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं कि जो बच्चा अपनी आगे फर्दर स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो एटलीस्ट वो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर वो थोड़ा सा जॉब करने लायक बन सके, अपनी जो लाइवलीहुड है उसको कंटिन्यू कर सके. इंकरेजिंग रिसर्च, और रिसर्च को इनकरेज करने के लिए बहुत सारे रिसर्च लैब्स और साइंटिफिक लैब्स ओपन किए, लैंग्वेज लैब्स ओपन किए. फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री. और फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कि अप टू 8th क्लास आपकी यूनिफॉर्म, आपकी बुक्स, आपके जो फूड है वो सब आपको फ्री मिलेगा, आपको बस स्कूल में आना है और वहाँ पे एजुकेट होना है. तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है स्कूल लेवल की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे स्टेप्स एंड मेजर्स लेते हैं. नेक्स्ट आपका 7th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. MHRD ऑल्सो वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस इन एडिशन टू हिंदी इन द कंट्री, लाइक उर्दू, संस्कृत एंड इंग्लिश. MHRD डिपार्टमेंट इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हिंदी को तो प्रमोट करना ही है, साथ के साथ जो रीजनल लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको भी प्रमोट करना है, जो कि धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं इंडिया में. इसीलिए अलग से स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि पोइट्री कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन स्टार्ट किए जाए. जैसे कि पहले के टाइम में संस्कृत लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस थी इंडिया में, जो कि धीरे धीरे अब कम हो रही है, ऐसे ही उर्दू है, इंग्लिश है. तो ये सारी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसीज निकालते हैं. नेक्स्ट आपका 8th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री, सोशल एंड सेकेंडरी एजुकेशन. एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ MHRD ऑल्सो प्रोवाइड ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years age. सो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ये चीज़ का ध्यान रखता है कि जो 6 to 14 years के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री रहनी चाहिए, और उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो उनको स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए. तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड जो है वो देते हैं. इन केस ऑफ एडल्ट एजुकेशन दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो एडवाइसेस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट. और इन केस कोई एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है किसी भी स्टेट ने, एडल्ट एजुकेशन जिसमें जो एडल्ट अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर सके और उन्होंने अपनी एजुकेशन अब पूरी करनी है, तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पूरा जो है फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं किस तरीके से आपने कोर्सेज रखने हैं, किस तरीके से आपने उनको स्टडी जो है वो कंप्लीट करवानी है. डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर. उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ये भी ध्यान रखता है कि जो लिटरेचर है यानी कि जो बुक्स हैं उनको कैसे डेवलप करना है टाइम के साथ, क्योंकि हो सकता है कि पहले के टाइम, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. एग्जाम्पल के अंदर अगर हमने डॉक्टर या इंजीनियर दिखाना है तो हमेशा वो मेल को दिखाया जाता था, और जो फीमेल्स हैं उनको कैसे एक टीचर और एक नर्स दिखाया जाता था. तो यहाँ से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम्प्लीटली पता लग रहा है, और बुक्स में जो दिखाया जाता है वैसा ही माइंडसेट जो है बच्चों का बनता है. तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो पैराज लिखे गए हैं पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखा गया है, उसको अब मॉडर्नाइज तरीके से लिखने की ज़रूरत है, लिटरेचर को चेंज करने की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है MHRD डिपार्टमेंट रखता है. आपका 9th पॉइंट है इनकरेजमेंट टू फिजिकल एजुकेशन. द मिनिस्ट्री ऑल्सो वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द कंट्री. अब MHRD इस चीज़ का ध्यान रखता है कि फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी प्रोग्रेस होना चाहिए टाइम के साथ, क्योंकि करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाते वक्त इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिसकी वजह से बच्चे कई बार जो है स्ट्रेस या टेंशन में आ जाते हैं. उस स्ट्रेस या टेंशन को दूर करने के लिए, उनका
स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना वो बहुत ज़रूरी होता है. मेनी इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग फॉर द ट्रेनिंग एंड प्रमोशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. बहुत सारे गवर्नमेंट ने अपने इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हैं जहाँ पर कोर्सेज जो हैं, जो डिग्रीज़ है, जो ट्रेनिंग्स है वो करवाई जाती हैं फिजिकल एजुकेशन में. स्पेशल कोर्सेज ऑफ योगा ट्रेनिंग हैव बीन स्टार्टेड इन दिस इंस्टीट्यूशन. उसके अलावा योगा इंस्ट्रक्टर्स जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं, आपको प्रॉपरली ट्रेंड करते हैं. और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर उन्हें जो है टाइम रहते हेल्प मिल जाए. आपका 10th पॉइंट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन. MHRD ऑल्सो अंडरटेक्स डिफरेंट वर्क्स रिलेटेड टू द कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ द एजुकेशनल डाटा. यानी MHRD डिपार्टमेंट जितना भी उनके पास एजुकेशनल डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, देन उसको पब्लिश करते हैं. द इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ MHRD कलेक्ट दिस डाटा रिलेटेड टू द एजुकेशनल फैसिलिटीज इन इंडिया एंड इन फॉरेन कंट्रीज. तो MHRD जितनी भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं या फिर एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं उसका रिकॉर्ड बना के रखते हैं, और साथ के साथ फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं मॉडर्नाइज वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, तो वो भी चीज़ें जो है प्रॉपरली देखी जाती हैं ताकि उसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाए अगर कोई अच्छी पॉलिसी है. तो पब्लिकेशन ब्यूरो ऑफ MHRD पब्लिश रिपोर्ट्स बुक्स इन शॉर्ट स्टोरीज. तो MHRD डिपार्टमेंट जो है शॉर्ट स्टोरीज जो बच्चों को इनकरेज करें, उसके अलावा जो बुक्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं जो एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड है, वो सारी की सारी इन्हीं के गाइडेंस के अंडर जो है पब्लिश की जाती है. 11th पॉइंट फंक्शंस रिलेटेड टू पब्लिकेशन. क्वालिटी बुक्स एंड अदर लिटरेचर इज पब्लिश फॉर द पब्लिक एट अ वेरी रीजनेबल रेट. तो यहाँ पर बुक्स की क्वालिटी जो है कि अगर आपने कोई पैरा लिखा है उसके रिलेटेड कोई पिक्चर भी वहाँ पर होनी चाहिए, उसका एग्जांपल होना चाहिए, मैप अवेलेबल होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो है फैक्ट्स है वो साइड में होने चाहिए. तो ये जो क्वालिटी है बुक्स की इसको मेंटेन करके रखना, साथ के साथ जो बुक्स का प्राइस है वो भी रीजनेबल होना चाहिए ताकि लोग उसे अफोर्ड कर सकें. द बेस्ट ऑथर्स आर ऑल्सो अवॉर्डेड प्राइजेस बाय द MHRD. तो जो भी बेस्ट ऑथर्स होते हैं जो अपनी तरफ से बेस्ट पोएट्री लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, उनको जो है इनकरेज किया जाता है प्राइजेस देके. एजुकेशनल फिल्म्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस. इसके अलावा बच्चों को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए एजुकेशनल फिल्म्स जो हैं वो भी MHRD डिपार्टमेंट के गाइडेंस के अंडर बनाई जाती हैं. नेक्स्ट आपका 12th पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द राइटर्स. MHRD protects the right of the writers and authors through the Copyright Act. अब यहाँ पर Copyright Act के थ्रू कोई भी राइटर या फिर पोइट अपनी कोई भी पब्लिकेशन निकाल रहे हैं तो उसको कोई कॉपी ना कर सके, इस चीज़ का भी ध्यान जो है MHRD डिपार्टमेंट ध्यान रखता है. आपका 13th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन. MHRD also gives special attention to the development of adult education in the country. An elaborate program for developed education, National Literacy Mission, has been implemented in the country. MHRD डिपार्टमेंट इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो एडल्ट एजुकेशन है वो प्रॉपरली जो है इंडिया में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ताकि जितने भी एडल्ट्स हैं जो किसी भी रीज़न के कारण अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सके हैं उनको भी एजुकेट होना चाहिए. क्योंकि हमारे इंडिया में 30-40% जो जनरेशन है वो एडल्ट है, जिसकी वजह से अगर हम उन्हें एजुकेट नहीं करेंगे तब तक हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो पूरा नहीं कर सकते हैं कंट्री को डेवलप करने का. तो इसीलिए MHRD डिपार्टमेंट ने नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो स्टार्ट किया है स्पेसिफिकली एडल्ट एजुकेशन के लिए. आपका 14th पॉइंट है गिविंग फाइनेंशियल एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड एंड असिस्टेंट टू वेरियस यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री. ऑल ओवर इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं MHRD डिपार्टमेंट उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करता है ताकि वो एजुकेशन पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें अपने यूनिवर्सिटी में और उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर. नेक्स्ट आपका 15th पॉइंट है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस. MHRD gives special attention to provide education to the children of scheduled castes, scheduled tribes and backward classes in the country. Different scholarship schemes have been introduced. So MHRD department is teach ka specially dhyan rakhta hai ki jitne bhi SC, ST aur backward classes hain unko bhi equally education milni chahiye, unka bhi development hona chahiye country ke andar, jiski wajah se unhone bahut sare scholarship programs jo hain aur reservation wo specifically in logon ke liye start kiye hain. 16th point hai to give information to public regarding education progress. MHRD gives information among the public about the development and promotion of education in the country. So MHRD पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कंट्री के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है, गवर्नमेंट ने कौन से नए लॉज एंड पॉलिसीज स्टार्ट किए हैं जिससे कंट्री के अंदर एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा है. नेक्स्ट आपका 17th पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कॉलरशिप्स. द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑल्सो एडमिनिस्टर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर स्टडिंग अब्रॉड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम, स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप. MHRD डिपार्टमेंट बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है वो स्टार्ट करते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग अब्रॉड. साथ के साथ जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन है, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप स्कीम्स स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए.
नेक्स्ट आपका लास्ट 18th पॉइंट है, कॉपरेशन विद यूनेस्को. इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ यूनेस्को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ यूनेस्को. यूनेस्को क्या है? एक यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिकली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है. इसके हेडक्वार्टर पैरिस में है, यानी कि फ्रांस. इनका मेन काम क्या होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, यानी कि पुरानी चीज़ें, जैसे कि इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं, ताजमहल है, इन सबको प्रिजर्व करके रखना, साथ के साथ इनकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना. तो ये यूनेस्को का मेंबर जो है इंडिया स्टार्टिंग से ही है, और जो भी यूनेस्को की गाइडलाइंस होती हैं इंडिया जो है उसको फॉलो करता है, और वो लोगों तक जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं. एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो. इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कॉन्क्लूजन लिखना है इस मस्ट. होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, प्लीज कमेंट बिलो. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे.